हाँ जी हाँ जी गंधर्व विवाह क्या हाँ गंधर्व विवाह मुरली में बताया है कि जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं परंतु उनके माँ बाप विरोधी होते हैं, बच्चा ज्ञान में चलता है माँ बाप विरोधी हैं, बच्ची ज्ञान में चलती है माँ बाप विरोधी हैं, शादी करना चाहते हैं जबरदस्ती करते हैं, तो दोनों को बचाने के लिए उनके माँ बाप को मना करके दोनों की बाप की परमिशन से शादी करा दी जाती है, इस शर्त पर कि दोनों मिलकर के रहेंगे पवित्र बनेंगे। उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में गंधर्व विवाह उसे बताया है कि दोनों मिलकर के आपस में समझौता कर लेते हैं, माता पिता से नहीं पूछते, उसे गंधर्व विवाह समझ लेते हैं। यहाँ बाप की परमिशन जरूरी है। कोई ने पूछा है चलती हुई फास्ट ट्रेन को रूहानी पावर से रोक सकते हैं क्या? जिनका फास्ट पुरुषार्थ होगा तो जो फास्ट पुरुषार्थी होंगे वो संकल्पों की ट्रेन को रोक सकेंगे, है ही स्लो पुरुषार्थी, एकाग्रता की शक्ति उतनी नहीं है तो ट्रेन को कैसे रोकेंगे? प्रैक्टिस करके देखना चाहिए कि जब आप बहुत तीव्र संकल्प चल रहे हो उसमें फटाक से फुल स्टॉप लगाएं, देखो ट्रेन रुकती है या नहीं रुकती है। अगर नहीं रुकती है तो स्लो पुरुषार्थी, रुक जाती है तो फास्ट पुरुषार्थी। और बौद्ध धर्म के दो छेड़े हैं श्वेतांबर दिगंबर, ये किसा क्या लिख दिया? बौद्ध धर्म के दो छेड़े हैं हीनयान और महायान, जैन धर्म के दो छेड़े हैं श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर मंदिर होते हैं यादगार में, श्वेतांबर जैनियों की यादगार, उनको कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है मंदिरों में, और जो दिगंबर जैनी होते हैं उनकी यादगार दिखाई गई है नंगे बैठे हुए, माना
देवान रूपी वस्त्र को त्यागने का पुरुषार्थ करने वाले हैं, और वो देवान रूपी वस्त्र त्याग नहीं पाते। इसलिए जो श्वेतांबर जैन मंदिर होते हैं उनमें सफेद मूर्तियां दिखाई गई, और दिगंबर जैन मंदिरों में काली मूर्तियां दिखाई गई हैं। क्या काली मूर्तियां क्यों दिखाई गई हैं? है श्वेतांबर जैनियों की यादगार मंदिर में सफेद मूर्तियां दिखाई गई हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए। और उनकी मूर्तियां काली दिखाई गई हैं, क्यों? है पवित्र हैं, काली मूर्तियों वाले पवित्र हैं। हाँ, उनकी भावना के आधार पर वो पवित्र हैं, बाकी पवित्रता की गुह्य परिभाषा उनको पता नहीं है। और जो दिगंबर जैनी है शरीर से तो अपवित्र हैं, लेकिन आत्मा आत्मा निराकारी स्टेज में स्थिर होने वाली है, इसलिए उनको कपड़े पहने हुए नहीं दिखाते। और उनके मंदिर ऊंची स्टेज में है दिगंबर जैनियों के, और श्वेतांबर के मंदिर ऊंची स्टेज, जैसे दिलवाड़ा मंदिर नीचे सफेद मूर्तियों का मंदिर है, वो नीचे बना हुआ है, और ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाओ तो वहां काली मूर्तियों का दिगंबर जैन मंदिर है। इस बात को साबित करता है कि उनकी ऊंची स्टेज है, भले शरीर अपवित्र है परंतु आत्मा की स्टेज ऊंची है, और उनको नीचे दिखाया गया कि आत्मा की स्टेज नीची है, भले शरीर से पवित्र रहते। तो दोनों में सन्यासी कौन है और गृहस्थी कौन है? है श्वेतांबर जैनी हो गए जैसे सन्यासी, जैसे बेसिक वाले, और दिगंबर जैनी हो गए जैसे एडवांस पार्टी। गर्गस्थ में रहते हैं परंतु साथ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम होने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये तो श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों की बात हुई, ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है, और ऐसे ही बौद्धियों ने भी फॉलो किया है। बौद्धियों में एक है हीनयान और दूसरा है महायान। यान किसे कहा जाता है? जहाज को कहा जाता है यान। ये आत्मा क्या है? जहाज है, प्लेन है। एक आत्मा नीचे की ओर जाती है, हीन विचारों वाली, और एक आत्मा महान विचारों वाली है। सादा जीवन, उच्च विचार, और उनका कैसा जीवन? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छे अच्छे मकान में रहो, सब कुछ दिखावा ऊंचा ऊंचा। और जो विचार हैं वही दुनियावी विचार, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं वही भक्ति मार्ग के सारे विचार। ज्ञान का मनन चिंतन, मुरलियों का मनन चिंतन उनकी बुद्धि में चल नहीं सकता, इसलिए उनको हीन यान कहते हैं, उनको महायान कहते हैं। यादगार कहाँ की है? संगम युग की, ब्राह्मणों की दुनिया की ही यादगार है। और बाबा कृष्ण से पहले एक कन्या का जन्म हुआ,
वो कन्या कौन है? और इसका बेहद में अर्थ क्या है? कहते हैं कन्या ने जन्म लिया, कंस के हाथों पड़ गई और वो कन्या हाथ से उड़ गई। उस कन्या को कंस मार नहीं सका, जैसे कृष्ण में जन्म में दिखाते हैं कि सात बच्चे पहले पैदा हुए, कृष्ण जैसे सात बच्चों को कृष्ण ने, कंस ने कोस लिया, लेकिन आठवें बच्चे को कृष्ण कोस नहीं पाया। माना विकारों की दुनिया में धकेल के उसकी आत्मा को मार नहीं सका, वो कृष्ण बच गया। ऐसे ही वो कुमारी उससे पहले पैदा हुई कृष्ण से, और वो कुमारी उसके हाथ से छूट गई और वो बच गई। माने ज्ञान में जिंदा बनी रही कंस के हाथों में जाने के बावजूद भी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी कौन सी कुमारी है जो कंस के हाथों चली जाती है फिर भी बच जाती है? कौन है? है कन्याकुमारी जाती है रावण के हाथ में। रामायण में दिखाते हैं दो सीताएं हैं, एक सीता को कहते हैं तुम अग्नि में निवास करो और दूसरी सोने की पांच तत्व की सीता बनाई देते हैं, जड़ तत्व की सीता बनाई देते हैं, उसको रावण ले जाता है। तो रावण के हाथ में तात्विक सीता पड़ी या चैतन्य सीता पड़ी? तत्वों की सीता रावण की जेल में जाती है, हैं? लक्ष्मी रावण की जेल में जाती है। हाँ बच गई, हाथ में तो गई लेकिन हाथ में जाने के बाद भी बावजूद भी बच गई, बंधन में नहीं आई। छोटी मामा बंधन में आती है क्या? वो तो नहीं आती, तो कौन है? है? अरे छोटी माँ, हाँ ये जगदम्बा का गायन है, पहले पैदा होता है वो बड़ा होता है या बाद में पैदा होता है वो बड़ा होता है? तो कृष्ण बड़ा या कृष्ण से पहले पैदा होने वाली बड़ी? वो जगदम्बा है। किसकी अम्बा है? जो भगवान का पार्ट है उसकी भी अम्बा है। प्रजापिता बड़ा या ब्रह्मा बड़ा? प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है, परंतु ब्रह्मा बनता कब है? जब ब्राह्मण बने। ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो पहले ब्रह्मा हुआ या पहले प्रजापिता हुआ? पहले ब्रह्मा फिर प्रजापिता। और बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिल जाए छोड़, जो दिल खोजो आपने मुझसे बुरा ना हो इसको भेद निकाल।
जिसकी आंखों में चश्मा जैसा चढ़ा होगा तो वो वैसा ही देखेगा। चश्मा काला चढ़ा हुआ है तो क्या देखने में आएगा, ये काला 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 काला। वास्तव में अपने अंदर ही कालिमापन है। जब लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी या नारायण बन जावेंगे तो उनके आसपास, उनके नजदीक, उनके संसर्ग में, उनके संपर्क में, संबंध में कोई बुरा आएगा नहीं आएगा। जब तक नहीं बने हैं तब तक बुरों का संग मिलेगा। इसका मतलब बुरे हैं तो बुरा मिलेगा और अच्छे हैं तो अच्छा ही मिलेगा। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो कोई भी अपवित्र का साथ होगा ही नहीं। पवित्र आत्मा को पवित्र दुनिया ही मिलेगी और जो अपवित्र आत्मा है उनको अपवित्र ही मिलेंगे। और महाभारत में हमारी अवस्था में कारण है कौन, कारण का पार्ट किसका है? कारण माने क्या, कारण माने कान। कौन सी आत्मा है जिसने कान का पार्ट सबसे ज्यादा बजाया, सुनने का पार्ट सबसे ज्यादा बजाया? ब्रह्मा ही है। जब शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है, ब्रह्मा बाबा। और कोई ऐसी मुरली है जो ब्रह्मा बाबा न सुनता हो? हमारे तुम्हारे द्वारा तो कोई मुरली छूट भी जाएगी, छूटती है कि नहीं, छूटती है। लेकिन कोई भी मुरली ऐसी नहीं है जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा छूट गई। तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है, ब्रह्मा बाबा ज्यादा सुनता है। तो वो कान हो गया, कान का नाम रख दिया कर्ण। क्या नाम रख दिया, कर्ण नाम रख दिया। वो कर्ण को जन्म किसने दिया कि तुम कर्ण हो कृष्ण हो? कृष्ण कर्ण और क्राइस्ट की राशि एक ही है, तो कर्ण को या कृष्ण को जन्म किसने दिया, किसने बताया कि तुम कृष्ण हो कर्ण हो? है? अरे यज्ञ के आदमी बुद्धि ले जाओ, किसने बताया है? किसने बताया? गीता माता। गीता तो दो है, एक झूठी गीता एक सच्ची गीता है। प्रजापिता वाली आत्मा ने बताया, प्रजापिता वाली आत्मा ने सीधा बताया दादा लेखराज को। हाँ बताया तो बड़ी माने पहले, क्योंकि वो बोल बोल वाली थी। लेकिन बोल बोल वाले पर ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं होता है। छोटी माने जब बताया तो उनको विश्वास हो गया। तो कौरवों के साथ जिंदगी भर कौन रहती है और पांडवों के साथ कौन रहती है? कुंती और द्रौपदी दो ही नाम प्रसिद्ध है। कुंती किसके साथ रहती है? कौरवों के खेमे में कुंती को रहना पड़ता है। तो कुंती का पार्ट किसका हुआ है? छोटी माँ का, कुंती का पार्ट हुआ। और छोटी माई ने कुंती ने जन्म दिया किसको? कर्ण को जन्म दिया। जन्म तो दिया लेकिन नई दुनिया में पालना की उसने है? नहीं। नई दुनिया में पालना पांडवों की होती है। नई दुनिया में पांडव जाते हैं, कौरव कौरव नहीं जाते इस शरीर से। लेकिन वो पुत्र किसका था,
है, सूर्य का पुत्र था। सूर्य का पार्टी किसका है? अरे हराम बली आत्मा का, सूर्य का पार्ट है वही प्रजापिता। तो वो बाप हो गया, वो अम्मा हो गई। बड़ा पांडव था, मध्यम पांडव था या छोटा पांडव था? कर्ण बड़ा पांडव था, किसी को पता नहीं था। एडवांस पार्टी वालों को पता है, है? किसी को पता नहीं था कि पांडवों में बड़ा पांडव कौन। समझते थे सब किसको? युधिष्ठिर को। लेकिन है बड़ा पांडव कौन? कर्ण बड़ा पांडव। तो कर्ण बड़ा पांडव था, किसकी औलाद था? सूर्य की औलाद था। ज्ञान सूर्य का जो पार्ट है उसकी औलाद है। और विधवा की पूजा नहीं होती है? विधवा की पूजा नहीं होती है, ठीक बात है। भारतवर्ष में पूजा सधवा की होती है, माने जिनका पति जीवित होता है वो पूजनीय होती है, और जिनका पति शरीर छोड़ देता है उनकी पूजा नहीं होती। तो ब्राह्मणों की दुनिया का ही गायन होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी ब्रह्मा कुमारियां कौन है जिनके पति ने शरीर छोड़ दिया? बता। कौन है, कौन से पति ने शरीर छोड़ दिया? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो हो गई विधवा। इसीलिए जो विधवाएं हैं वो कौन से रंग के कपड़े पहनती हैं हर समय? सफेद कपड़े। बाबा ने तो मुरली में नहीं डायरेक्शन दिया कि 24 घंटे सफेद कपड़े पहनो। बाबा ने तो कहा जब क्लास में आते हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, तो मिलिट्री को जिस समय ड्रिल होती है तो उस समय उनको अपना पोशाक पहनाई जाती है कि अपनी पोशाक पहन के आओ, जब ड्रिल खत्म हो गई तो पोशाक उतार दो। तो तुम भी है विधवा हो या सधवा हो? है सधवा है, है? है? रामा ने क्या फेंक दिए? गेंद फेंक दी। गेंद कौन सी है? सागर में थोड़ी फेंकी, सागर में फेंकी क्या है? यमुना नदी में फेंकी। सुदामा ने गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया, और कृष्ण ने, किसने निकाल लिया है? कृष्ण ने नहीं निकाल लिया, कृष्ण ने निकाल लिया या भगवान ने निकाल लिया? भगवान ने निकाल लिया। तो जिसने निकाल लिया वही भगवान का पार्ट उसको कृष्ण के रूप में दिखा दिया है। वास्तव में कृष्ण नहीं है, वो चरित्र किसके हैं? भगवान के चरित्र हैं, जो सांप के फणों के ऊपर डांस करता है। और आधार मूर्तों में यमुना कौन है? बीज रूप में यमुना कौन है? जो पहली पहली कन्या निकली फिर बाद में लोप हो गई, चली गई बाहर की दुनिया में, जंगल में चली गई, वो काली तुलसी बन जाती है, यमुना बन जाती है। ऐसे ही आधार मूर्तों की दुनिया में यमुना कौन है? कुमार का दादी। सारी ज्ञान की अथॉरिटी किसको दे दी?
कुमार का दादी को दे दी, तो गेंद कहाँ डाल दी है, यमुना में डाल दी। उस यमुना में से कुदक मारो, तो भगवान कुदक मारता है और उसमें से गेंद, ज्ञान की गेंद निकाल के बाहर ले आता है। और कर्ण को सूत पुत्र बोला गया है, बोला गया कि है ही खाई सूत पुत्र। सूत माने, सूत माने क्या, दास दासी है या राजा रानी है, दास दासी है, दासी पुत्र है। उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करना पड़ा और ये विद्या जरूरत पड़ने पर काम नहीं आई, तो पता नहीं चला कि फेलियर का पुत्र है या पास होने वाले का पुत्र है, है? अरे यज्ञ के आदि में कौन फेल हुआ, राम वाली आत्मा फेल हुई, वो राम वाली आत्मा सूत थी या नहीं थी, दासी हुई या नहीं हुई, है? दासी पुत्र है। उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करना पड़ा, ब्राह्मण का वेश धारण करने पड़ा माने ब्राह्मण था नहीं। ब्राह्मणों का काम क्या होता है, ज्ञान देना और ज्ञान लेना। तो ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान देने का काम किया, लेने का काम किया। अरे संभाल के बोलो, हैं? ज्ञान देने लेने का काम किया या नहीं किया? अरे बड़ा टेढ़ी छेड़ी आ गई, हैं? देने का काम किया है, ज्ञान सुनाने का काम किया। उनके अंदर शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया या ब्रह्मा ने सुनाया, तो कह रहे ब्रह्मा ने किया। बाबा जैसे सुनने वाले सुनाया ऐसा तो सुनाया उन्होंने, जैसे सुनते हैं वैसे पूरे सुनाते हैं। नहीं, ज्ञान का मुख्य पॉइंट क्या है, बाप की पहचान। बाप की पहचान को ही ज्ञान कहा जाता है और आत्मा की पहचान को ज्ञान कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा को आत्मा की पहचान हुई अनेक जन्मों की, नहीं हुई तो ज्ञान कहाँ हुआ। और बाप की पहचान हुई, बाप की पहचान भी नहीं। मुरली में बोल दिया बाबा ने कि तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता शब्द डालना चाहिए, फिर भी नहीं डाला। और अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो भी नहीं समझाया। माने उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा कि प्रजापिता कौन है। तो ब्राह्मण तो थे नहीं, थे ब्राह्मण है? ब्राह्मण का काम ज्ञान देना और ज्ञान लेना। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ही करना नहीं हुआ तो ज्ञान देंगे कहां से। ब्राह्मण का मुख्य काम क्या, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, तीनों काम नहीं हुए तो इसलिए ब्राह्मण तो थे नहीं। फिर शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश किया तो कौन सा रूप धारण किया, हनुमान ने भी जब राम से पहले पहले मिले तो कौन सा रूप धारण करते दिखाया गया शास्त्रों में, ब्राह्मण का वेश धारण किया। तो कहां की बात है, यहीं की बात। ब्राह्मण का वेश धारण करना पड़ा और ब्राह्मण का वेश धारण करके जो विद्या सीखी वो विद्या जरूरत पड़ने पर काम नहीं आई। अर्जुन को मारने के काम आई नहीं आई। तो जो काम विद्या नहीं आई, विद्या का काम क्या है, ईश्वरीय जो विद्या मिलती है, जो ज्ञान की शस्त्र चलाने की विद्या मिलती है, वो इस जन्म के लिए काम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो इस जन्म में काम आती है,
है, कंचन काया बनती है, नहीं बनी तो काम नहीं आई। शिशुपाल की माता 100 गलतियों तक माफ करने को कहा, किसको? भगवान को, कि 100 गलतियां इसकी हो जाएं तो भी माफ कर देना। लेकिन 100 गलतियां होने से पहले अपने बच्चे को क्यों नहीं बदल पाई? शिशुपाल कौन है? शिशुपाल पार्ट किसका है? शिशु माने क्या? बच्चा। बच्चा बुद्धि ज्ञान में कौन होते हैं? बच्चा बुद्धि ज्ञान में वो होते हैं, सारा ज्ञान समझ लेते हैं, लेकिन बाप की पहचान उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। जैसे एडवांस ज्ञान निकला, एडवांस ज्ञान देने के लिए कुछ विदेशी आत्माएं भी निकली। उन विदेशी आत्माओं में कोई आत्मा ऐसी भी है, ये आदि में, एडवांस की आदि में ही, जो गालियां भी देती है। किसको? भगवान को गालियां देती है। तो गालियां देने वाला खुद भगवान को पहचानता है? नहीं पहचानता। गालियां देती है, कुशब्द कहती है, और फिर जो ज्ञान देती है उस ज्ञान में अपने को भगवान साबित करती है, लेकिन जो असली भगवान है उसको साबित नहीं करती। तो सुनने वाले जो हैं वो भगवान को पहचानते हैं या नहीं पहचानते? जिसके बच्चे होंगे वैसे ही बनेंगे, जैसा समझाने वाला वैसे ही समझने वाले बनते हैं। तो शिशु हैं वो। क्या ज्ञान में तो चलते हैं, लेकिन ज्ञान में चलने वाले छोटे 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 बच्चे हैं, उनकी वो पालना करता है। और छोटे छोटे बच्चों का, अबोध बच्चों का, अज्ञानी बच्चों की पालना करने वाला है, इसलिए उसका नाम शिशुपाल रखा गया। उसको जन्म देने वाली कौन? अरे इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन इन सबको जन्म देने वाली कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा 100 गलतियों को माफ करने के लिए बोला, 100 गलतियों को माफ कर देने के बाद तब तक तो सुधर जाना चाहिए ना, लेकिन वो अपने को नहीं सुधार पाता। इसलिए उसको सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। सुदर्शन चक्र क्या है? स्व दर्शन चक्र, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करा दिया कि भगवान तुम नहीं हो, भगवान तो मैं हूँ। ये साक्षात्कार जब हो जाता है, असलियत जब जानकारी हो जाती है, तो उसका देह अभिमान मर जाता है। उसको कहा गया कि 100 गलतियां तक माफ, थोड़ी गलतियां नहीं की, कितनी गलतियां की? 100 गलतियां की। माना सारा ब्राह्मण जीवन विरोध ही करता रहा। हाँ जी, लौकिक 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 में क्या अर्थ क्या है? लौकिक माने ये लौकिक दुनिया, लौकिक माँ, लौकिक बाप, लौकिक संबंधी, ये लोक के हैं। लोक माने संसार, पारलौकिक, जो इस लोक का न हो, इस लोक से पार का है। ये लोक है सूरज चांद सितारों की दुनिया, इस लोक से भी पार कौन सा लोक है? पारलोक। उस पारलोक का बाप कौन है? पारलौकिक बाप कौन है? शिव है पारलौकिक बाप। और अलौकिक, अलौकिक माने जो ना इस लोक का है ना पारलोक का है, वो सूक्ष्म बतन में लटका हुआ है।
इसलिए वो अलौकिक बाप है। ब्रह्मा क्या है? अलौकिक बाप है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह हैं, तो गुरु और पितामह हमेशा कौरवों का साथ क्यों देते थे? द्रोण आचार्य, नाम क्या रखा? द्रोण आचार्य। काहे के आचार्य? द्रोण के, द्रोण कहते हैं घड़ा। कौन सा घड़ा? ज्ञान का कलश। तो जो ज्ञान का कलश है उसके वो आचार्य हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों को ही ज्ञान कहा जाता है, उसके वो आचार्य हैं, व्याख्या करने वाले हैं। जो विद्वान पंडित आचार्य हैं, काशी से बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, वो द्रोणाचार्य हैं। और वो सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो भीष्म पितामह है। वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई, ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह माने जो गुरु बन करके बैठते हैं, अपने को भगवान साबित कर देते हैं, मैं ही भगवान हूं, शिवो हम है ब्रह्मा। ब्रह्मा बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा सन्यासी नहीं है वो। वो तो अंत तक यशोदा माता को साथ लेकर के रहे, उन्होंने कहा निकाल दिया। यशोदा माता जो उनकी पत्नी थी, उनको उन्होंने अलग थोड़े ही कर दिया, छोड़ थोड़े ही दिया। तो उनको सन्यासी नहीं कह सकते, बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। हाँ, जो दुनिया में जितने भी सन्यासी हैं, उन सब सन्यासियों में बड़ा सन्यासी है आद्य शंकराचार्य, जिसको सात सन्यासी मानते हैं। उस आद्य शंकराचार्य की आत्मा ने भी आकर के किसी में प्रवेश किया होगा क्या? वो कोई नारायण है जो सत्युग में नारायण बनता है। उस सत्युग में नारायण में बनने वाली आत्मा को भी कोई प्रैक्टिकल में जन्म देने वाला है। आज से 1400 साल पहले शंकराचार्य हुए, जिनको 8 साल की अवस्था में सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया था। उनमें वास्तव में ज्ञान नहीं हो गया, कोई ऊपर से आत्मा आई और उसने सारा ज्ञान सुनाया। लेकिन जिसमें प्रवेश किया वो आधार मूर्त, उसको भी कोई ने जन्म दिया होगा ना, उसका भी तो कोई बाप हुआ होगा। तो उसका जो बाप है वो हुआ वो बीज, शंकराचार्य धर्म का बीज। लेकिन जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब सन्यासी धर्म के हैं, या कोई गृहस्थ धर्म का भी पक्का है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि जितने भी हैं सब सन्यासी। तो बड़े में बड़ा धर्म पिता कौन है विदर्भियों में, विदेशियों में? इस्लाम धर्म, इब्राहिम। इब्राहिम ने जिसमें प्रवेश किया वो आधार मूर्त है, जो सत्युग में दूसरा नारायण बनता है, जो ब्रह्मा बाबा का बच्चा बनेगा सत्युग में, कृष्ण का बच्चा बनेगा, वो ही बनेगा कृष्ण का बच्चा। कौन? जिसको ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार करते रहे हो, ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ का सारा कारोबार उसको उसी को सौंपा हो, तो विश्वेश्वर बाबू थे। आज से लेकर अंत तक जब तक वो जीवित रहे, ब्रह्मा बाबा ने उसको जो सौंपा वो किसी को, दूसरे ब्रह्मा कुमार को, वो जिम्मेवारी नहीं सौंपी। और माताओं में भी, कन्याओं में, कुमारका दादी को जितना मान मर्तबा दिया उतना और किसी को नहीं दिया। मुरली में बोला है,
इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। तो सेकंड नारायण साबित हो जाते हैं, सेकंड नारायण जाकर के वो सेकंड धर्म पिता बनता है प्रजापिता की बात। वो सेकंड धर्म पिता विधर्मी है सुधर्मी, विधर्मी है विदेशी है। उस विदेशी धर्म पिता को भी कोई जन्म देने वाला होगा कि नहीं? तो उसको जो जन्म देने वाला है वो वही आत्मा है जो एडवांस के आदि में भगवान को प्रत्यक्ष करने वाला होता है। सीढ़ी के चित्र में दो दिखाए हैं विदेशी जो भारत को भीख दे रहे हैं, कौन? रामायण में भी उसके बारे में लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सारे विश्व पिता, सारे विश्व का जो पिता है उसका, जिसने यह सृष्टि के आदि में भरण पोषण किया वो है भरत, भरण पोषण करने वाला। तो वो आत्मा कोई दूसरी आत्मा नहीं है। राम के दो पुत्र दिखाए जाते हैं, लव और कुश। लव बड़ा हुआ तो दुनियावी जो प्यार है उस प्यार में सबसे आगे जाने वाली आत्मा कौन? लव। वो आत्मा जो है वो बीज रूप शंकराचार्य, उसी कह दो बाल ब्रह्मचारी। क्या जितने भी विदेशी बच्चे हुए एडवांस के आदि में, चार थे ना ब्रह्मा के, चार पुत्र, और पहला तो देवी देवता सनातन धर्म का हुआ, बाकी तीन विधर्मी है विदेशी है। उनमें जो एक है इस्लामी वो बाल ब्रह्मचारी है। उसने शादी नहीं की, बाकी दो ने फिर भी शादी करके बैठ गए। एक ने कोर्ट मैरिज कर ली और एक ने ये दुनिया में जैसे ढोल मजीरा वाली मैरिज होती है वैसी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए दोनों ने, लेकिन उसने शादी नहीं की। तो बड़ा बड़ी बात हो गई ना। कुमार थोड़े समय ज्ञान में चलते हैं उसी में लुढ़क जाते हैं। वो तो आज से लेकर के और कितने साल हो गए, अभी कितने साल हो गए, 35-36 साल हो गए, अब तक भी बाल ब्रह्मचारी बूढ़ा हो गया, रिटायर भी हो गया तभी, और शादी नहीं की। भीष्म पितामह ने शादी नहीं की? हाँ शादी नहीं की, उसी की तो बात हो रही है, उसी की तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? तो वो तो क्लियर हो गया भीष्म। हाँ है, अनपढ़ है तो, अनपढ़ है तो पढ़ाई पढ़ ले, क्या बड़ी बात है पढ़ाई पढ़ना? अक्षर ज्ञान सीखना कोई बड़ी बात है क्या? कन्याओं के लिए तो बड़ी बात नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए तो फिर भी थोड़ा मुश्किल है, आई का खा गा गा कहाँ तक सीखेंगे? कन्याएं चाहें तो दो दिन में सीख ले। और राधा बच्ची, हाँ हाँ है यज्ञ के आज में कौन तो माता का गुना माता जो 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 शिव बाबा ने प्रवेश करके बातें बताई साक्षात्कार की, उस ज्ञान का बीजारोपण पहले पहले किस में हुआ? सतयुग के राधा कृष्ण की आत्मा में पहले हुआ,
यह संगम युग में जो अष्टदेव बनते हैं उनमें पहले हुआ है। हाँ, जो सूर्यवंशी सत कहे जाते हैं पहले पहले, क्योंकि तीन ही तो देवताएं हैं नंबर वार, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा नीचे है, वो मध्य में है, विष्णु वो सबसे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर है उसका वंश पहले स्थापन होगा, या जो नीचे वाला और बीच वाला उसका वंश पहले स्थापन होगा? तो सबसे ऊपर वाला जो है वो सूर्यवंश की स्थापना पहले कर लेता है। वो आठ बच्चे हैं जो सूर्यवंशी बनते हैं पहले ही पहले, यज्ञ के आदि में भी थे। क्या पता क्या अर्थ था? तो बाबा को पता है क्या? मुरलियों से पूछो, दादियों से पूछो। बच्ची और गीता माता बोलते हैं, वो तो नाम समझाने के लिए दे दिया है, थोड़े ही पता नहीं क्या नाम हो। ये तो असली नाम शास्त्रों से उठा करके समझाने के लिए दे दिया कि उनमें एक है राधा और एक है जो दुनिया में गीता चल रही है, उसका मान है, मान मर्तबा है। यज्ञ में भी उसका मान मर्तबा था, यज्ञ के आदि में भी कौन सी माता का ज्यादा मान मर्तबा था? है, जगदम्बा का ही ज्यादा मान मर्तबा था। इस दुनिया का मान मर्तबा जो सात्विक आत्माएं हैं वो ज्यादा लेती हैं, या तामसी आत्माएं होती हैं वो ज्यादा लेती है? तो दो देवियां हैं नौ देवियों में, एक है महासात्विक महागौरी और एक है महाकाली। तो जो महाकाली का पार्ट है वो मान मर्तबा ज्यादा लेने वाली है, बोलने वाली भी बहुत ढेर सारी जीव निकली हुई है। कहते ना इसकी तो बड़ी लंबी जीव है। और बच्चियां थी इनका नाम पता नहीं है। वही तो बच्चियां हैं, उनका नाम पता कैसे चलेगा? नाम पता कैसे चलेगा? दीदी दादियों से पूछो, उनको सब पता होगा। बाबा ने कहा उनके पास फोटो भी है। हाँ, फोटो भी उनके पास रखे हुए हैं, उनसे नहीं जाके पूछते, बाबा से पूछते, बाबा नहीं बतावेंगे। हैं? बाबा तो बाबा थोड़े किसी के पार्ट बताते हैं। अरे बाबा की जो भूत, बाबा तो इशारे देते हैं। बाबा को ये थोड़े तुम्हारा पार्ट ये है, इनका पार्ट ये है, ये थोड़े बताते। इशारे देवताएं समझते हैं, इशारे का ज्ञान है। चित्रगुप्त नाम क्या है? गुप्त चित्र है, सबको दिखाने के लिए थोड़ी है, है? है? योग अग्नि क्या है? बाबा की याद योग अग्नि और क्या है? निरंतर याद करना, जो चीज हमारे आंखों से हमने देखी है वो याद नहीं आएगी? आएगी है? नाक से सूंघी है याद नहीं आएगी? कान से सुनी है डायरेक्ट वो याद नहीं आएगा? बच्चे की किलकारी माँ सुनती है याद नहीं आती है? बच्चे की तोतली बातें सुनती है याद नहीं आती है? ये याद है? इन्हें दसों इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वो सब याद आता है, वो याद है। तो ब्रह्मा कुमारी निराकार को याद करती है, साकार को याद करती है? तो इसकी निरंतर याद हो सकती है? नहीं हो सकती। और हमारी? हाँ, जो हो सकती है, क्योंकि हमने तो साकार में पहचान लिया। और नवग्रह और नवरत्न में क्या अंतर? ग्रह गृहस्थ को कहते हैं, घर गृहस्थ, उसमें एक होता है कि दो चार होते हैं? है,
दो चार होते हैं उसे कहते हैं ग्रह, रत्न होते हैं नव रत्न। तो रत्न कम ज्यादा वैल्यू वाले होते हैं कि एक समान होते हैं? कोई तो मोती है, कोई पुखराज है, कोई हीरा है, कोई माणिक है, कोई पन्ना है, अलग अलग कीमत के हो गए ना, छोटे बड़े हो गए ना, तो वो है रतन। और अष्ट देव वो सब सूर्यवंशी हैं, देवता हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं या कम जन्म लेने वाले हैं? तो जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो देवता हैं। देवताएं कौन से वंश के होते हैं? सूर्यवंशी होते हैं, वो अष्ट देव है। हाँ, वो अष्ट देवों से ज्ञान मिलता है नारायणों को। क्या? फिर नारायणों से ज्ञान मिलता है उन धर्म पिताओं को। तो वो एक तरह से ग्रह बन जाता है। जो मतलब जो सात नारायण है वही ग्रह है? वो अकेले नहीं है, जब एक हो जाते हैं। नारायण अभी विरोधी है एडवांस ज्ञान के या सहयोगी है? तो जब तक विरोधी है तब तक तो वंश बनने वाला नहीं। उनका विरोधी होना वो तो बाद तक चलेगा, पहले तो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में ही विरोधी है। उनका ही घर मिलकर के एक नहीं हुआ है घरग्रस्त, तो उनका तो अभी होगा ही कहां से। सर्व संबंध एक के साथ निभाना। हाँ जी, माताओं को बच्चा कैसे बनाना? नहीं, ये थोड़े ही कहा कि माताओं को सर्व संबंध निभाना नहीं है। निभाना तो है, लेकिन एक पख रखी है माताओं के कल्याण के लिए रखी होगी। बाबा जो कुछ बोलते हैं कल्याण के लिए बोलते हैं या कल्याण के लिए बोलते हैं? कल्याण के लिए बोलिए। क्या पख बोलिए? कि माताओं को पहले शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े, पहले दूसरे संबंध नहीं, पहले क्या करना पड़े? पहले बच्चा बनाना पड़े। तो ये बात पक्की हो जाती है कि जब पहला पहला भावना बच्चे की बैठ जाएगी तो फिर माता जो सच्ची माता होगी उसको बच्चे के अलावा कोई दूसरा बात दिखाई नहीं पड़ेगी। बच्चे से ज्यादा प्यार होता है माता को या पति से ज्यादा प्यार होता है? बच्चे से ज्यादा प्यार होता है। वो भी कल्याणकारी बात इसलिए बताई कि आगे चल करके अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में चारों तरफ ग्लानी ही ग्लानी निकलेगी बाप की। क्या? इतनी ग्लानी निकलेगी जो कलंकी धर अवतार ही साबित हो जाएगा। तो उस ग्लानी के निकलने पर तुम्हारा पति जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, ये भावना पक्की रहेगी। दुर्योधन दुशासन जिनको बोला है वो पक्की भावना वाले रहेंगे या उनको घृणा पैदा हो जाएगी भगवान से? है? क्या होगा? घृणा पैदा हो जाएगी। जब उन्हें घृणा पैदा हो जाएगी तो बंधन में डालेंगे, बंधन में डालेंगे, तो फिर बंधन में डालेंगे। अभी तक तो छोड़ रहे थे, चलो तुम भगवान की भक्ति करो जाके, भले हम ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं। जब उन्हें पक्का ये हो जाएगा कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब दतिंगबाजी है, तो तुम्हारे ऊपर बंधन डालेंगे। फिर पक्का पक्का तुम्हें पता चलेगा ये तो पक्का दुर्योधन दुशासन नंगन करने वाला है। अभी तो थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी, फिर वो छोड़ेगा नहीं, तो फिर वैश्या की शूटिंग हो जाएगी या सधवा की शूटिंग रहेगी? तो बाबा तो बचाने के लिए बोला है माताओं को कि पहले क्या करो? पहले बच्चे का संबंध बाबा के साथ जोड़ो। जब बच्चे का संबंध पक्का हो जाए फिर संकल्पों के आधार पर अपनी शूटिंग करते रहो, चाहे जो करो। मन को कौन रोकेगा? दुनिया में कोई मन को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मन के आधार पर तो समझो, चाहे को समझो, ये हमारा ये संबंध है, हमारा वो संबंध है, वो संबंध है, वो कुछ भी सोचो, वो किसी की पकड़ में आने वाला नहीं। तो बाबा तो कल्याण के लिए बोला है, माताओं को फीलिंग आती है
हमको क्यों ऐसे कह दिया बच्चा बनाओ। हाँ, और कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा को बांध डालती है तो पाप बनते ही। आत्मा कौन? अज्ञानी आत्मा? ज्ञान में चलने वाली आत्मा क्या करती है? वो भी बंधन में बांधी जाएगी। या तो 100 गुना पाप चढ़ता है, वहां लौकिक दुनिया में तो 1 गुना पाप चढ़ता था और यहाँ 100 गुना पाप चढ़ता है। हाँ, और बंधन में डालेंगे तो बंधन में पड़ेंगे जन्म जन्मांतर। यहाँ स्वतंत्र रहेंगे, दूसरों को स्वतंत्रता देंगे तो वहां भी स्वतंत्र रहेंगे। और है इसको शनिदेव को ये न्याय है। बाप का आप अपमान करना, असम्मान करना है। शनिदेव के जो फॉलोअर होंगे वो ही ऐसे कहेंगे। भक्ति मार्ग में जो भी शास्त्र लिखे गए हैं वो अपने अपने इष्ट देव की उन्होंने बड़ी प्रशंसा कर दी। क्या देवी का भगत होगा तो देवी की बहुत प्रशंसा, राधा का भगत होगा तो राधे ही राधे, कृष्ण का भगत होगा तो कृष्ण ही भगवान, शंकर का भगत होगा तो शंकर को ही भगवान, विष्णु का भगत होगा तो विष्णु ही भगवान सबसे ऊंचा और बाकी सबको शास्त्रों में नीचा दिखा दिया, पूजा करते हुए दिखा दिया उनको। ये सब क्या है? इसको विकारी बुद्धि कहें या निर्विकारी बुद्धि कहें? ये तो विकारी बुद्धि की बात हो गई। भगवान तो सर्वोपरि जो ऊंचे से ऊंचे है वो एक होगा या अनेक होंगे? एक ही होगा। बाबा ये अष्टदेव अंतिम जन्म में नीचे कैसे गिरते हैं? कैसे का सवाल ही नहीं। अगर नीचे एक अष्टदेव नीचे न गिरे, क्या अष्टदेवों में से अगर एक कोई नीचे न गिरे तो माया को सर्वशक्तिवान कहेंगे भगवान के बराबर? नहीं कहेंगे। माया सर्वशक्तिवान तभी है जब भगवान के समान कार्य करे। भगवान सबको तोड़ लेता है तो माया भी सबको तोड़ लेती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। ऐसा अहंकार कोई भी न करे कि माया हमको छोड़ देती है या हम माया पर विजयी बन गए। नहीं तो बहुत से हैं ऐसे अहंकार करने वाले, कहते हैं राम फेल हो गया, हम राम थोड़े ही बनेंगे। अरे राम फेल हो गया जो कहते हो, तुम्हारा बाप ब्रह्मा फेल हुआ कि नहीं हुआ या पास हो गया है? हाँ, कोई पहले फेल होता है कोई बाद में फेल होता है। माया छोड़ती किसी को नहीं है। बाकी जो पहले फेल हुआ वो तो फिर भी फायदे में है क्योंकि उसको अनुभव मिल जाता है। जो बाद में फेल होता है वो उसको तो अनुभव ही नहीं उतना, वो तो ज्यादा खतरे की बात हो गई। और बाबा ये वार्तालाप में बोला है कि अव्यक्त वाणी आगे चलकर के अव्यक्त वाणी और मुरली साथ साथ चलेंगे, मतलब अव्यक्त वाणी वहाँ ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलेगी और साथ में शिव बाबा के द्वारा मुरली हम चलाई जाएगी। तो ये बात समझ में नहीं आती। इसने कहा एक वार्तालाप में बाबा ने, बाबा ने वार्तालाप में कहा के एक ही साथ अव्यक्त वाणी चलेगी एक ही साथ मुरली चलेगी है? अरे भाई जब तो मुरली है हमारी पोएट्री पद्य और अव्यक्त वाणी है गद्य, उनको क्लैरिफिकेशन बाद में मिलेगा या साथ साथ मिल जाएगा? बनने के साथ ही बाद में क्लैरिफिकेशन आता है। तो अव्यक्त वाणी के साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन चल पड़े ये कैसे होगा? लेकिन बाबा एक बहुत पहली मुरली में पुरानी मुरलियां जो थी उसमें
वहाँ जब अव्यक्त वाणी चल रही थी, जिस पॉइंट पे चल रहा था, जिस पॉइंट को बताया जा रहा था, यहाँ पे कलकत्ता में जो बाबा सीडी चला रहे थे उसमें उसी का क्लैरिफिकेशन। बाई चांस कहीं आ गया होगा एकदम एग्जैक्ट वही। ये क्या बड़ी बात है, बाई चांस बहुत सी ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन पूरी की पूरी अव्यक्त वाणी उसी समय उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाए, ये कैसे? वो ब्रह्मा की वाणी है, देवता की वाणी है, और वो शिव बाबा की वाणी है। शिव तो प्रवेश करता ही नहीं सूक्ष्म वतनवासी में, और ये सागर मंथन चाचा का मतलब नहीं, चाचा का मतलब छोटा भाई, क्या पिताजी का छोटा भाई, और मुरली में शंकर जी के सर पे ताज नहीं दिखाते हैं, लेकिन एक चित्र में ताज दिखाए। चित्र बनाने वाले एक हैं कि अनेक हैं? तुंडे तुंडे मतरे बिन्ना। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए, तो मायावी मत से प्रेरित होकर बना दिए या ईश्वरीय मत है? ईश्वरीय मत चित्रों के बारे में क्या कहती है? कितने चित्र बनाओ है? चार चित्र मुख्य बताए, कभी एक दो चित्र और बता दिए, ढेर के ढेर चित्र जो बनाने की बात है वो तो जो आसुरी मत है। और ताज भी दिखाया हो तो उस ताज का अर्थ हम बेहद में समझें कि हद में समझें? बेहद में समझें कि जिम्मेवारी का ताज है। शीला का क्या मतलब है? शील कहते हैं पवित्रता को, क्या शीला माने कोई कन्या या माता फीमेल, उसको कहते हैं शीला। और लंबे लंबे अरे पढ़ो तो, ये समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है, गुप्त बात तो है नहीं कुछ। जिसकी समझ में आता हो पढ़ाई से पढ़ दो। बेहोशी की हालत में पढ़े रहने से अंतिम स्टेज, अभी ब्राह्मण की दुनिया में किसी की अंतिम स्टेज बनी है? लौकिक में अंतिम स्टेज माने मरणासन्न हो गया तब है। फिर क्या अनुभव करता है? अंतिम स्टेज ठीक होती है कि बीच वाली स्टेज ठीक होती है? तो सही सही करो उसको, क्या लिखा क्या पूछना है। कृष्ण की बालक रूप में पूजा होती है और राधा की
बालक रूप में पूजा नहीं होती। राधा कृष्ण का चित्र जब सामने मंदिर में रखा होता है तो दोनों बचपन में नहीं होते हैं, दोनों की पूजा होती है बचपन रूप में। राधा की भी पूजा होती है और कृष्ण की भी पूजा होती है। ये कैसे, क्या पूछना चाहते? कृष्ण की बालकपन में ज्यादा पूजा होती है लेकिन अलग से राधा की बचपन रूप में पूजा नहीं होती है। हाँ, कृष्ण के साथ बचपन रूप में पूजा होती है। ये हाँ संगम युग की ही तो बात है। संगम युग में राधा ने जब तक ज्ञान ही नहीं लिया है तब तक अधूरी है या परिपूर्ण है? अधूरी है, तो अधूरे रूप की पूजा कैसे होगी? संपन्न तो तब बने जब एडवांस ज्ञान ले, तो साथ ही बनेगी तभी तो पूजा होगी। हाँ हाँ हैं ब्रह्मा की ब्रह्मा की काया से क्लियर नहीं हो रहा आवाज, क्लियर नहीं है आवाज। ब्रह्मा की काया से कायस्थ निकले होते, ब्रह्मा की काया से कायस्थ बने, कायस्थ निकले, कायस्थ निकले ब्रह्मा की काया से। हाँ, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, ब्रह्मा की काया से कायस्थ निकले, स्थ माने स्थिर होने वाले, काय माने शरीर है। हाँ, वही जिनको श्रीवास्तव कहा गया कि वास्तव में हम ही श्रेष्ठ हैं। श्री माने श्रेष्ठ, वास्तव माने वास्तव, वास्तव में हम ही श्रेष्ठ हैं। कौन? जो कायस्थ हैं, जो काया में स्थित हैं वो श्रेष्ठ हैं, और आत्मा में स्थित है वो श्रेष्ठ नहीं है, है? बाबा, संता जी का जटा दिखाता है परंतु और किसी भगवान का जटा नहीं दिखाता। क्यों, नारायण को जटाएं नहीं दिखाते? ज्ञान की जटाएं हैं, है? नारायण की जटाएं सारी सुलझी हुई हैं और शंकर की जटाएं उलझी हुई है। बीच में क्या होता है? जो ठीक होता है वही तो अंतिम स्टेज है। क्या पूछ रहे हैं ये? अंतिम स्थिति आ जाती है उनकी, बाणासन हो गया कोई, फिर ठीक हो जाती है थोड़े दिन के, बाणासन होने के बाद ठीक हो गया, फिर से वैसी हो जाती है, फिर से बढ़ना, फिर से बीमार हो, बीमार हो, बेहद में क्या अर्थ है? बेहद मार्थ क्या, आत्मा कहीं छुप जाती है शरीर में, देखने वालों को समझ में आता है कि तो मर गया। हनुमान का दो पार्ट तो वो तो ब्रह्मा और गणेश की तो राम, और गणेश को पार्ट वो गंगा या सागर में क्यों बुलाते? गणेश को सागर में या जल में क्यों डुबाते हैं? हाँ, और इसका कारण क्या? गणेश को देवियों को नहीं डुबाते, देवियों को भी डुबाते हैं, माने देवियां भी झूठी, गणेश भी झूठे, और एक भगवान, भगवान सच्चा। जैसे 76 में एडवांस पार्टी निकली तो जितने भी एडवांस में निकले उन्होंने बेसिक की ब्रह्मा कुमारियों को डूबी जा करना शुरू कर दिया कि नहीं? उनका मान मर्तबा खत्म किया या काबिज रखा? खत्म कर दिया, तो डूबी जा हो गई। ऐसे ही अब एडवांस में अंतिम समय में ऐसे होगा कि जब एडवांस ज्ञान परिपूर्ण स्टेज को पहुंचेगा उस समय देवियों का ज्ञान, देवियों की महिमा बहुत हो जाएगी एडवांस में, जगदम्बा का ही पूरा राज्य होगा।
जगदम्बा की भुजाओं का ही राज्य होगा, सब उन्हीं की पूजा करेंगे। फिर अंत में जब भगवान प्रत्यक्ष होगा तो उनकी सारी पोल पट्टी तो खुल जाएगी। हाँ। सवा तीन हो गए, फिर बताता नहीं कोई, चुपचाप मैं ट्रेन मिस करने के चक्कर में है क्या है? चल।